वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं शोभा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। और आज का वीडियो होने जा रहा है नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। जी हाँ, आप सभी को पता है कि मैं एक बिज़नेस कर रही हूँ। इस बिज़नेस को करने से पहले मैं बैंक में करीबन 12 साल मैंने नौकरी की है, और उस नौकरी को छोड़कर आज ये बिज़नेस को पैन इंडिया में मैं एक्सपेंड कर रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ। तो आज का वीडियो रहेगा नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। नेटवर्क मार्केटिंग वैसे तो बहुत ही अच्छा बिजनेस है, आपके सपनों को ये पूरा करता है, रंग से राजा बना देता है, आपको फर्श से अर्श तक पहुंचा देता है। लेकिन इस जर्नी में, फर्श से अर्श तक पहुंचाने वाली जर्नी में, बीच में बहुत सारे पड़ाव आते हैं, और उसी पड़ाव में लोग गिरना, लोग जहाँ पर थे वहीं पर पहुँचना स्टार्ट कर देते हैं। जी हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जितनी तेज़ी से जन्म दर होती है, उतनी ही तेज़ी से मृत्यु दर भी यहाँ पर बढ़ती जाती है। लेकिन अगर इस जन्म दर और मृत्यु दर के बीच में अगर हम रिटेंशन करना सीख जाए, लोगों को सिखाना सीख जाए, तो हम इस बिजनेस में बहुत सारा अपना सपना को पूरा कर सकते हैं। तो इस रंग से राजा वाले जो सफ़र में पड़ाव आते हैं, इनविटेशन, फिर उसके बाद आता है शो द प्लान, देन फॉलोअप क्लोजिंग। और यहीं पर अगर हमने सीखा नहीं और लोगों को सिखाया नहीं, लोगों को ट्रेन नहीं किया, तो या तो वो लोग, अनट्रेन्ड लोग किसी के पास जाएंगे अपना बिजनेस कॉन्सेप्ट लेकर, बिना ट्रेनिंग लिए ही अगर जाते हैं, तो या तो वो मर कर आएंगे या तो उनके हो जाएंगे। आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो इन तीनों पड़ाव में बहुत सारे ऑब्जेक्शन आते हैं। अगर ये ऑब्जेक्शन को हैंडल करना हमने उनको सिखा दिया, तो मगरमच्छ के मुंह पर पैर रख रख के और अपने सपनों की तरफ वो लोग पहुँचते जाएंगे। तो अभी कुछ सीरीज़ में लेकर आ रही हूँ, हर एक पड़ाव में क्या क्या ऑब्जेक्शंस आते हैं, उन ऑब्जेक्शन को किस तरीके से हैंडल किया जा सकता है, वो हर एक सवाल का जवाब मैं लेकर आ रही हूँ। तो बने रहिएगा, वेट करिएगा मेरे वो तीनों सीरीज़ के लिए, जहाँ पर हर एक सवाल का, हर एक ऑब्जेक्शन का मैं जवाब लेकर आ रही हूँ। सो थैंक यू, विश यू वेल्थ। अगर